सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एंटर इन ट्रेनिंग ग्राउंड। वैसे तो यूट्यूब पर आपको कई वीडियो मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर, बट वो सारे वीडियो पुराने वर्जन के हैं और हम जो आज वीडियो लाए हैं ये वीडियो न्यू वर्जन वाला है। इसमें आपको हम एक एक स्टेप बताएंगे कि कैसे आप ट्रेनिंग जोन में एंटर कर सकते हैं और कैसे इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो के साथ। तो आइए बांटते हैं आज का ज्ञान। ये आ गए हम अपने मेन स्क्रीन पर और यहाँ से हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे। स्टार्ट के ऊपर जो आपको पिक दिख रहा है उसको टैप करना है। फिर ऊपर आपको दिख रहा होगा राइट कॉर्नर में ट्रेनिंग ग्राउंड लिखा होगा, आपको इस ट्रेनिंग ग्राउंड पर टैप करना है। उसके बाद अपना ट्रेनिंग ग्राउंड ओपन होगा। तो आ गए हम ट्रेनिंग ग्राउंड पर और यहाँ से आपको गन पिक करनी है। यहाँ से आप कोई भी गन चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको फेवरेट हो, जो भी आपको पसंद हो। आपको यहाँ से लेंस पिक कर लेना है, अपने हिसाब से अपने गन को सेट कर लेना है लेंस, जिससे आपको व्यू लार्ज और स्मॉल दिखाई देगा। जो भी लेंस आपको पसंद हो, जो भी लेंस आपके लिए कंफर्टेबल हो, वो लेंस आप यूज कर सकते हैं यहाँ से, और इस तरह से फायर कर सकते हैं और ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई लोगों का ऐसे होता है कि कई बार उनका निशाना लगता नहीं है, निशाना चूक जाता है, या फिर फायर करने पर उनकी गम बहुत फास्टली मूव हो जाती है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस तरीके की, ताकि आपका जो निशाना हो वो एकदम सही लगे। आपका दुश्मन बच के जाना नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा किल करना है। आपको प्रो बनना है ना भाई, प्रो बनना कि नहीं बनना है? कब तक नूब रे बन के खेलोगे? आपके दोस्त भी आपको मजाक उड़ाते होंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, प्रो बनिए। सो गाइज, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बेल और लाइक उनको दबाना ना भूलिएगा। चाहे आप उसे फोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए या पानी में डाल दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, लाल बटन दब जाना चाहिए और बेल आइकन प्रेस हो जानी चाहिए।